अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी भी किस्म की हेयर केयर रेमेडी या DIY के बगैर अपने बालों की लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं, इन्हें गिरने से बचाना चाहते हैं, इन्हें लंबा मजबूत और चमकदार बनाना चाहते हैं और किसी भी किस्म की ऑयलिंग के बगैर ये तमाम चीजें चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी किस्म की होम रेमेडी के बगैर आप अपने बालों की चमक में और मजबूती में कैसे इजाफा कर सकते हैं और वो कौन सी चीजें हैं जिनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करने से सिर्फ 3 हफ्तों में आपके बालों की ना सिर्फ लंबाई में इजाफा होगा बल्कि इनकी मजबूती और चमक में भी इजाफा होगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप अपने बालों का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं। नंबर 1, प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन लेना। अगर आपकी खुराक शदीद तौर पर महदूद है तो आपके बाल बेहतर तरीके से नहीं बढ़ेंगे, कि बाल बुनियादी तौर पर प्रोटीन से बने होते हैं। लिहाजा आपको ये यकीनी बनाना है कि आप रोजाना कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। बालों की ज्यादा से ज्यादा नशरमा के लिए मुनासिब प्रोटीन की मकदार के साथ मुतवाजन खाने खाना जरूरी है, ताकि आप हर रोजाना कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन अपने बालों को फ्राहम कर सके और इस प्रोटीन को हासिल करने के लिए अपनी खुराक में अंडे, गोश्त, मछली, फलियां और गिरीदार मेवे और बीज शामिल करें। नंबर 2, ड्राई कैफीन इन्फ्यूज्ड प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जिनमें कैफीन होता है, क्योंकि कैफीन के इस्तेमाल से आपके बालों की नशोनुमा को मदद मिल सकती है। डिफरेंट रिसर्च से ये साबित हुआ है कि अगर आपके शैम्पू या फिर कंडीशनर में कैफीन मौजूद है तो ये आपके बालों को गिरने से रोक सकती है और आपके बालों की नशोनुमा को मजीद बेहतर तरीके से फरोग दे सकती है, क्योंकि कैफीन मेटाबोलिज्म और खुलियों के फैलाव को रेगुलेट करके बालों की नशोनुमा को मदद देता है। नंबर 3, विटामिन्स एंड मिनरल्स, अपनी रोजाना की खुराक में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स शामिल करें जो बालों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए जरूरी हैं। पत्तों वाली सब्जियों, फलियों और फलों से अपने बालों को आयरन फराहम करें। अपने जिस्म को जिंक की फराहमी के लिए गिरीदार मेवे, बीज और होल ग्रेन्स अपनी खुराक में शामिल करें। इसके अलावा विटामिन A, C, D और E मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों और फलों में मौजूद होता है, इसलिए इसको अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें, जैसे एवोकेडो या फिर जैतून का तेल वगैरह। नंबर 4, हाइड्रेशन, अपनी स्काल्प को हाइड्रेट रखने के लिए और अपनी मजमुई सेहत को फरोग देने के लिए दिन में काफी ज्यादा मकदार में पानी पिएं, ताकि आपकी स्काल्प हेल्थ हाइड्रेट रहे, जिससे आपके बालों की नशोनुमा को फरोग मिलेगा और आपके बाल तेजी से भरना शुरू हो जाएंगे। नंबर 5, एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं बल्कि आपकी बालों की नशोनुमा को फरोग देने में बहुत हद तक मदद करते हैं। डिफरेंट रिसर्च से ये साबित हुआ है कि एसेंशियल ऑयल्स, खासतौर पर कद्दू के बीजों का तेल, बालों की नशोनुमा को फरोग देने के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है। इसलिए अगर आप अपने बालों में किसी भी किस्म की ऑयलिंग नहीं करना चाहते तो कम से कम 1 महीने में 1 मरतबा या हफ्ते में 1 मरतबा कद्दू के बीजों का तेल लाजमी इस्तेमाल करें। इससे अपनी स्काल्प पर मसाज करें और अपने बालों की चमक और लंबाई में इजाफा करें। इसके अलावा रोजमेरी ऑयल, पिपरमेंट ऑयल, जजोबा ऑयल और लेवेंडर ऑयल बालों के गिरने को रोकने और बालों की नशोनुमा को फरोग देने में तेजी से मदद करते हैं। हर रोजाना इन 5 तरीकों से अपने बालों की नशोनुमा का ख्याल रखें। इसके अलावा अपनी स्काल्प की अच्छे तरीके से केयर करें, अपनी स्काल्प को साफ रखें और इसे किसी भी किस्म की गंदगी से महफूज रखें। हेयर फॉलिकल्स को बंद होने से बचाने के लिए अपने बालों को अच्छे शैम्पू से बकायदगी से धोएं, ताकि अगर आप अच्छी खुराक ले रहे हैं तो आपके हेयर फॉलिकल्स के बंद होने की वजह से आपके बालों की नशोनुमा में किसी भी किस्म का कोई फर्क ना पड़े। अपनी स्काल्प की मसाज करें, क्योंकि स्काल्प में खून की गर्दिश को बढ़ाने से बालों की नशोनुमा को मदद मिलती है, जिससे बाल मजबूत और घने हो जाते हैं। अपनी लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करें, लिमिट हीट स्टाइलिंग, हीट स्टाइल को महदूद करें। अपने बालों को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए हीट स्टाइलिंग को बार बार इस्तेमाल मत करें, जैसे ब्लो ड्रायर या फिर स्ट्रेटनर्स वगैरह। जेंटल हेयर हैंडलिंग, बालों को नरमी से संभालना। अपने बालों को बहुत ज्यादा टाइट बांधने से परहेज करें और गीले बालों पर जरूरत से ज्यादा ब्रश ना करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव की सतह को कम करें, जितना हो सके अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखें, क्योंकि जब आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है तो इससे आपके बालों की सेहत पर नेगेटिव असर पड़ता है और आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, ताकि आपके बाल अच्छे तरीके से बढ़ सकें और मजबूत और चमकदार हो सकें। इसके साथ साथ अपने डॉक्टर से बाकायदगी से चेकअप करवाएं, प्रोटीन या मल्टीविटामिंस जैसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें, जिससे बालों की सेहत दिन ब दिन बेहतर हो जाएगी। और इन तमाम तरीकों से अपनी सेहत का ख्याल रखने से आपके बाल सिर्फ 3 हफ्तों में लंबे, मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। 21 दिनों तक इन तमाम तरीकों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, जिससे आप किसी भी किस्म की हेयर केयर रेमेडी या DIY के बगैर अपने बालों की नशोनुमा को फरोग दे सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकअल्लाह।